हेलो फ्रेंड्स, ओम साई क्रिएटिव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक 2-in-1 इमरजेंसी गैजेट। तो हम बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कैन, जिसमें मैंने पहले से ही दो होल करके रखे हैं, क्योंकि हमें इधर SPS के स्विच लगाने हैं। हम अब क्या करेंगे, हम एक कैन लेंगे और उधर मैंने एक LED और एक मोटर लगा के रखी है जो 3.7 वोल्ट से चलती है। अब ये वायर जो है वो हमारे मोटर की है और ये जो ब्लैक एंड रेड वायर है वो हमारे बल्ब की है। अब हम इन वायर्स को अंदर डालेंगे तो ये ऐसे लगेगा, पर हम इतनी जगह नहीं डालेंगे। हम एक 9 वोल्ट की बैटरी लेंगे। आप इसकी जगह 3.7 वोल्ट की लैपटॉप बैटरी या फिर कोई भी रिचार्जेबल बैटरी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये है तो मैं यही यूज़ करूँगा। अब हमें इधर होल कर देना है। अब हमने इधर होल कर दिया है। अब हमें इधर से ये वायर्स अंदर डाल देने हैं। तो हमने ये वायर्स अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसमें से प्लस की वायर यहाँ निकाल लेंगे। हम इधर से निकाल लेते हैं इसे। अब हम ये वायर जो है वो हमारे मोटर की किसी भी एक वायर को लगाने वाले हैं। अगर आपकी वायर्स उल्टे लग जाए तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम इसे लगा देते हैं। तो हमने इसे लगा दिया है। अब हम इस पर वायरिंग टेप लगा देंगे। तो ये देखिए, अब हम इसे ऐसे लगा देंगे। आप यहाँ हीट सिंक का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे ट्यूब कहते हैं। मेरे पास वो नहीं है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने ये लगा दिया है। अब हम एक SPST स्विच लेंगे, ये। तो हम इसे किसी भी लेग पर कनेक्ट कर देंगे। ये हम कनेक्ट कर देंगे इधर। अब हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम मोटर की जो एक वायर बची है, अब हम उसे भी स्विच के किसी भी लेग पर, जो बची हुई लेग है उस पर कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमने इसे लगा दिया है। अब आप देख सुन सकते हैं इसकी आवाज़, तो ये चालू हो रही है। अब हमारा 50% वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम और एक SPDT स्विच लेंगे और उसे हम यहाँ लगा देंगे। हमने ये ले लिया है। अब हम इसे ऐसे लगाने वाले हैं, पर उसके पहले हमें इसका भी कनेक्शन करना है। इसके लिए हमें और एक 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टर चाहिए, तो हम उसे ले लेते हैं। लिया है। अब हम इस पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो हम रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो हमने ये ले लिया है। अब हम अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो, और हम इस पर ज़्यादा पावर देंगे तो ये हमारी LED फ्यूज़ हो सकती है, मतलब वो ख़राब हो सकती है, इसलिए हमें ये लगाना चाहिए। अब हम इस पर भी वायरिंग टेप लगा देंगे। तो हम इसे लगा देते हैं। तो हमने इसे लगा दिया है। अब हम इसे भी इधर से अंदर डाल देंगे। ऐसे मैंने होल पहले से ही कर लिया है। अब हम इसे अंदर डाल देंगे। तो हमने इसके वायर्स अंदर डाल दिए हैं। अब हम जो रेजिस्टेंस है उसे यहाँ स्विच पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये रहा हमारा स्विच। अब हम इसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे सामने की लेग को लगना नहीं चाहिए, ऐसे हमें लगा देना है, क्योंकि अगर ये लगेगा उधर तो हमारी लाइट ऑन ही रहेगी। अब हम इसका भी प्लस का वायर लेंगे और यहाँ से निकाल कर सीधा स्विच पर लगा देंगे। इधर लग नहीं रही है। तो
अब हम क्या करेंगे, एक पतला वायर लेंगे और उसे यहाँ लगाकर सीधा स्विच पर लगा देंगे। तो अब हमने इसे लगा दिया है और इसे वायरिंग टेप से कवर कर दिया है। अब हम इसकी जो वायर है वो हम इधर लगा देंगे, इसे यहाँ लगा देते हैं। तो हमने इसे लगा दिया है, अब हम इस स्विच को अंदर डाल देंगे और जो हमारी निगेटिव वायर है हमारे बल्ब की, वो हम इसकी भी निगेटिव वायर से लगा देंगे। तो हम इसकी निगेटिव वायर लेंगे पहले, अब हम इसे अंदर डाल देंगे। अब यहाँ हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है, तो हम अब हम इसे ऐसे लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ हम दो मार्किंग कर लेंगे या फिर हम फेविक्विक से भी चिपका सकते हैं, पर मैं यहाँ मार्किंग करके स्क्रू लगाने वाला हूँ, तो मैं पहले मार्किंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ इसे फिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ एक और 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। 9 वोल्ट की बैटरी ले ली है और मैं यहाँ इसका बाजू का स्टिकर, मतलब जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है, मैं उसे निकाल दूँगा और इसे यहाँ लगा दूँगा। तो हम इसे लगा देते हैं। तो हमने इसे यहाँ लगा दिया है और हमारे दोनों कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इधर हम एक प्रॉपलर लगा देंगे। तो ये रहा हमारा प्रॉपलर, अब हम इसे यहाँ फिक्स कर देंगे। ये फिक्स हो चुका है। तो अब आपको कनेक्शन समझ में नहीं आया होगा, तो मैं अभी आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो हम यह रहा हमारा डायग्राम। तो ये हमारा एलईडी का कनेक्शन।